Hey, how's it going everyone? My name is Manipal. आज मेरा सिस्टर मिस्टर फलाना जी ने मेरे को एक बहुत ही ओपी चैलेंज दिया माइनक्राफ्ट में। उसने मेरे को एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर स्पॉन करवाया ना गाइस, जहां पर क्राफ्टिंग बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। एंड बाय ओवरपावर्ड गाइस आई मेंट बहुत ही ज्यादा इनसेनली ओवरपावर्ड है। मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। फॉर एग्जांपल ये वाला जो गाइस वुड है, अगर मैं इसको यहां पर तोड़ूंगा और इसको तोड़ने के बाद मैं जैसे इसको यहां पर रखूंगा, यहां पर तुम लोगों को चार प्लैंक्स दिख रहे होंगे, पर जैसे इसको मैं यहां पे नीचे निकालूंगा, जस्ट चेक दिस आउट गाइस, मेरे पास चार की जगह पे पूरे 64 प्लैंक्स आ चुके हैं। सो राइट नाउ मेरी केस में अच्छी थी, बिकॉज यहाँ पर गाइस रैंडमली हम लोगों को एक स्टैक से 100 स्टैक्स के बीच में कोई भी रैंडम नंबर मिल सकता है। तो कई बार गाइस हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड कई बार हमारे लिए गाइस बहुत ज्यादा अनोइंग होगा। चेक दिस आउट, यहाँ पर मेरी पूरी इन्वेंटरी भर चुकी है, साथ ही साथ इतना सारा नीचे भी गिर चुका है। और इसके अलावा बहुत ही अलग अलग ओवरपावर्ड फीचर्स हमारे इस वर्ल्ड के अंदर डाले हुए मेरे असिस्टेंट मिस्टर फलाना जी ने, और हमारा काम है गाइस जल्द से जल्द एंडर ड्रैगन को बीट करना जितने मिनिमम टाइम में हम लोग कर सकते हैं। सो गाइस इफ यू गाइस आर एक्साइटेड लीव अ लाइक, इस वीडियो को लाइक ही हम रखते हैं गाइस 150,000 लाइक्स, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंजॉय द वीडियो। और गाइस तो देखो यहाँ पर हमारे पास लकड़ियों की कमी तो फिलहाल को होने वाली नहीं है। इनफैक्ट इतनी सारी लकड़ियां कि भाई मेरे को चाहिए ही नहीं है ना यार, मैं फेंकने वाला ब्रो, क्या करनी मैंने इतने सारे प्लैंक्स का। इनफैक्ट मैं सोच रहा कि मैं अपने पास ज्यादा नहीं, बस 3 स्टैक रखने वाला भाई, बाकी को मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। एंड गाइस जो हमारे यहाँ पे ट्रू चैलेंज होने वाला है वो एंडर ड्रैगन को मारना नहीं होने वाला है, वो होने वाला है कि भाई अपनी गेम को क्रैश होने से बचाना, बिकॉज यहाँ पे इतना सारा सामान भी आ सकता है ना कि मेरी गेम ही क्रैश हो सकती है एंडर ड्रैगन को मारने से पहले। सो यार मुझे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। एंड जस्ट मैंने अभी गाइस एक और चीज रियलाइज करी है कि मुंह के सामने हमारा एक विलेज है, तो हमारा जो स्पीड रन हो रहा है ना इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है। लेट्स गो, बिकॉज विलेज के अंदर हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। एंड आई थिंक सबसे पहले मुझे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है गाइस खाना, तो सबसे पहले खाने का जुगाड़ करते हैं अपने लिए। आई गेस इस विलेज के अंदर मेरे को यहाँ पर वो तो मिलना ही चाहिए ना यार, हे बेल्स वगैरह। सो यार क्या इस विलेज के अंदर हे बेल्स है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तभी चलेगा, बिकॉज मेरे पास अभी एक बहुत ही ओपी आइडिया गाइस नहीं है यहाँ पे। ये दुनिया का सबसे घटिया विलेज है भाई, इस विलेज के अंदर है ही नहीं है। इनफैक्ट हम लोग को गाइस हे बेल्स की जरूरत ही नहीं है, अगर मुझे यहाँ पर इनफ वीट मिल जाए 1, 2 एंड 3 दैट इज मोर देन इनफ। ओके यहाँ पर सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। नहीं मुझे भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही क्राफ्टिंग टेबल चाहिए थी, इन लोगों ने 10 स्टैक दे दिए मेरे को कम से कम। सी दिस इज द पार्ट गाइस जहाँ पर ये बहुत ज्यादा अनोइंग बन सकता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 3 वीट के साथ हम लोगों को देखते ओवरऑल कितनी ब्रेड्स मिलती है। मेरे पास यहाँ पे मेरी वीट भी बच चुकी है, देखो वीट वहां पर नीचे गिर चुकी है मेरे इन्वेंटरी से, एंड मेरे पे यहाँ पर देखो कितने सारे ब्रेड्स भी आ चुके हैं भाई साहब। यू नो ये एग्जैक्टली वही बात होगी कि भाई कभी ये हमारे लिए वरदान साबित होगा, कभी हमारे लिए अभिशाप साबित होगा, समझ रहे हो ना तुम लोग भाई। पर चलो मेरे पास इतना सारा खाना तो आ चुका है कि भाई साहब आई डोंट थिंक सो कि मुझे पूरी वीडियो में जरूरत पड़ने वाली खाने की। एक क्राफ्टिंग टेबल नीचे निकालते, मुझे यहाँ पर लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली। ओह नो, इसने मुझे अगेन इतनी सारी लकड़ियां दे दी यार। कोई बात नहीं, ब्लैंक दे दे भाई मेरे को, यहाँ पर अभी अपने लिए बनानी है एक ये वुडन की पिकैक्स। अब देखो गाइस यहाँ पे जितने भी चीजें हमारे यहाँ पे एंचेंटेबल है, मतलब हम लोग वुडन पिकैक्स यहाँ पे एंचेंट कर सकते, तो वो मल्टीपल नहीं बनेगी, लेकिन हमारी क्राफ्टिंग टेबल क्या करेगी, इस चीज के ऊपर एक रैंडम एंचेंटमेंट देगी एंड वो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ एंड मैं थोड़ा सा दूर जाने वाला, बिकॉज वहां पर इतनी सारी लकड़ी एंड क्राफ्टिंग टेबल नीचे गिरी हुई है कि बार बार मेरी इन्वेंट्री पे आ रही ब्रो ये, एंड आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मेरे को खाना फेंकना पड़ेगा यार, जिंदगी में इतना सारा खाना वेस्ट कर रहा हूँ मैं पहली बार। ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, लेट्स सी कि हमारी पिकैक्स हमें क्या देती है। एंचेंटमेंट देखो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, फॉर्च्यून एंचेंटमेंट 221। ओके इसने मुझे फॉर्च्यून दिया, बट लकड़ी की पिकैक्स में फॉर्च्यून आई डोंट थिंक सो कि अच्छी एंचेंटमेंट है, कुछ और देखते हैं। ओके हमारी सेकंड वाली है फॉर्च्यून लेवल 958। अबे फॉर्च्यून ही दिए जा रहे हो भाई, कुछ और दे दो यार। एफिशिएंसी 871, दिस इज परफेक्ट, आई लाइक दिस वन। सी एक एक सेकंड के अंदर अब हम लोग यहाँ पर कहीं तोड़ सकते हैं अपने लिए, या दिस इज नाइस, ये वाले एंचेंटमेंट मुझे पसंद आई एक्चुअली। पलक झपकाते गाइस, पलक झपकाते हम लोग यहाँ पे सब कुछ तोड़ सकते हैं। एंड 58 कबलस्टोन हमारे पास आ भी चुके हैं, नाइस। अब डायरेक्ट खुद को क्या करते हैं गाइस, अपग्रेड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएगी हमारी एक स्टोन की पिकैक्स, लेट्स सी इसने दिया मुझे सिल्क टच। स्टोन की पिकैक्स में स्टील टच का काम नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। ओके यहाँ पर बंदा आ रहा है, मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा इससे पहले कि मुझे मार दे, मुझे कुछ बढ़िया दे दियो भाई। तो इसमें शार्पनेस आ जा बेटे, ले मजे मार एकदम सही टाइम पे इसने मुझे शार्पनेस दिया। सी दिस गाइस, शार्पनेस एंचेंटमेंट 361, इसका मतलब है हमारी जो ये वाली स्वॉर्ड है ना, इस वक्त 50 नेदरराइट की स्वॉर्ड के इक्विवेलेंट है। हट के दिखा दे बेटे, तू मान जाऊंगा, तू आएगा ले तू ही मर जा। ब्रो मैं इनको वन शॉट कर रहा हूँ यार, कितनी खुशी की बात है। ओके मैंने यहाँ पर ये बनाई है मेंडिंग एंचेंटमेंट लगी है इसमें, नो आई डोंट नीड मेंडिंग। छोटू आ गया मेरे को मारने के लिए, छोटू आ गया, छोटू को मारेगा मैं, तेले को मारेगा मैं सो रहा हूँ यार यहाँ पे, तू खड़ा हो जा, चल निकल यार। ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, मैंने उस विलेजर को गलती से एक शॉट मारा और मरी गया वो।
मैं बस उसको उठा रहा था यार यहाँ से ताकि मैं सो सकूं यार। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओ ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ, इस बंदे ने मेरे को यहाँ पे बहुत सारे क्यों दिए ब्रेड्स वगैरह। अभी तू पागल है क्या, मैं अपनी इन्वेंटरी खाली कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर भर रहे हो उसको। यार कमाल के बंदे भाई तुम तो यार। क्राफ्टिंग टेबल्स फेंको सबसे पहले तो यार, इन्होंने गंद पाई हुई है कसम से। ओके ये हमें क्या देता है, लेट्स सी, सिल्क टच। सिल्क टच मैं ले लूंगा कोई बात नहीं, इसमें चलेगा। इसमें मेंडिंग है, मेंडिंग की जरूरत तो नहीं है भाई बिल्कुल भी नहीं। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू गिव मी, अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग का मतलब है टूटेगी नहीं कभी भी, बट आई डोंट नीड दैट। ओके इतनी सारी पिकेक्स बनाने के बाद फाइनली मेरे को एक यहाँ पे एफिशिएंसी वाली पिकेक्स मिली फिर से। और इसके अलावा मैं बनाने वाला एक स्टोन की शवल, अनब्रेकिंग लगा हुआ है, आई थिंक ये काफी है। नाउ आई थिंक हमें यहाँ से निकलना चाहिए गाइस। खाने का जुगाड़ हो चुका है, मुझे अब यहाँ पे ना आयन का जुगाड़ करना अपने लिए। एंड ओहो आयन का नाम लिया एंड आयल गोलम हाजिर है गाइस। सी दिस गाइस, शार्पनेस 361 की पावर देखना चाहते हो तुम लोग, चेक दिस आउट, वन शॉट एंड ये बंदा खत्म हो चुका है यहाँ पे। खत्म खत्म है ब्रो, तू खत्म समझा, इतनी ज्यादा पावर है मेरे हाथ। ओह माय गॉड बेचारा यार। एंड यहाँ पर हमारे पास तीन ही है सिर्फ आयन निकट। ओह माय गॉड मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इससे आयन के नगेट्स में कन्वर्ट करूंगा। ओह माय गॉड यहाँ पर देखो, ओ भाई साहब यस दिस इज परफेक्ट ना। अब देखो अब इससे मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है जो कि बहुत सारे आयन में कन्वर्ट करना एंड ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होते रहेंगे आई गेस जैसे मैं इसको क्राफ्टिंग टेबल पे डालूंगा। सी मैं ऐसे और निकालूंगा इसको, ये बहुत सारे आ जाएंगे एंड यहाँ से मैं इसको और निकालूंगा तो और बहुत सारे आ जाएंगे। सी देखते ही देखते हमारे पास पूरे 5 स्टैक्स आ चुके हैं इसके, विच इज जस्ट परफेक्ट ना यार गाइस, क्या बोलते हो। और अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको निकालूंगा तो भी कोई ना कोई एंचेंटमेंट देगी, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 266 यू नो व्हाट, ये बहुत ही अच्छी है। कोई भी क्रीपर अब दुनिया में मुझे मार नहीं पाएगा ऐसे के तैसे इन क्रीपर्स की। अब ये क्या देगा हमें, फायर प्रोटेक्शन 257। ओह माय गॉड फायर प्रोटेक्शन 257 का मतलब है कि अगर मैं आग के भी छलांग मारता हूँ तो भाई बहुत ही कम चांसेस होंगे मेरे मरने के। थॉर्न्स 242 ब्रो, दिस इज जस्ट टू ओवर पावर्ड, थॉर्न्स 242। और इसके अलावा देखते हैं हमारे हेलमेट पे क्या लगा हुआ है, अनब्रेकिंग। नहीं अनब्रेकिंग नहीं चाहिए भाई, नो अनब्रेकिंग का मतलब वैसे टूटेगा नहीं, कोई मुझे स्पेशल पावर नहीं मिल रही ना भाई। अपने को चाहिए स्पेशल पावर इस मॉड के साथ, फायर प्रोटेक्शन 37 जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया है बेटे। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे फायर प्रोटेक्शन 257 है, उसका मैं क्या करूंगा। Let's see, इस बार क्या मिलता है, प्रोटेक्शन एंचेंटमेंट 85। Oh my God. अगर तुम लोगों को पता होगा जो प्रोटेक्शन होती है वो हाईएस्ट 4 लेवल तक होती है, ये प्रोटेक्शन 85 है, ये कितना ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका हमारा बंदा देखो यहाँ पे। ओके नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड आवर सेल्स इन आयरन टूल्स, लेट्स सी हमें क्या देगा, स्वीपिंग एज 900। ओ माय गॉड ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है यार। मैं सबसे पहले इनको फेंकने वाला, फालतू में रखे हुए मैंने यहाँ पर ये, और फटाफट यहाँ पे गाइस अपने टूल्स में फोकस करते हैं बनाने पे। मैं यहाँ पर बल्कि और यहाँ पे आयरन के सॉर्ट्स वगैरह बना, लूटिंग 992। ओ माय गॉड यहाँ पे मेरे को अभी उसकी आवाज सुनाई दी थी, अभी मेरे को उसकी आवाज सुनाई दी थी यहाँ पे। क्या नाम है उस बदसूरत का, एंडरमैन है ना, कहा गया ब्रो। लूटिंग 992 का मतलब है मेरे को वो कम से कम 50 टैग दे देगा। अब भी देखो तुम लोग भाई आधे घंटे के अंदर गेम खत्म कर दूंगा। मुमू का आपको मरना पड़ेगा, बे रुक जा इधर वापस वापस आपको मरना पड़ेगा बिकॉज आपसे मेरे को बहुत सारा खाना मिलेगा। ये देखो यहाँ पे भाई 64 and 4 एंड 1, 2 and 2.5 स्टैक्स हमारे पास पूरे लेदर के भी आ चुके हैं भाई साहब। ओके अरे यार वो मेरे को अभी अभी दिखा था ना, मुझे आवाज आई थी उसकी यार, एंडरमैन की, पता नहीं गायब भी होगा कहीं यार। आई थिंक उसको पता लग गया था कि भाई उसकी मौत आने वाली है यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं गाइस, इसके बाद कहीं ना कहीं एंडरमैन हमको मिल ही जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। यू नो गाइस फिलहाल को मेरे को लूटिंग वाली की एक्चुअली जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए एक दूसरे वाली लाइक जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो। ओह माय गॉड शार्पनेस 442। यहाँ पे देखो कितनी सारी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ गाइस, और नीचे देख रहे हो तुम लोग वहां पर कितनी सारी मैं ऑलरेडी फेंक चुका हूँ। यहाँ देखो नीचे बड़ी मुश्किल से मिल गए, शार्पनेस वाली एंचेंटमेंट मिली है स्वॉर्ड के ऊपर यार। चलो भाई फाइनली मिल तो गई कम से कम, और ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि 100-150 नेदरराइट के स्वॉर्ड तो ऐसे ही फेल है इसके सामने। ओह माय गॉड इसके होते हुए ना भाई मैं एकदम खुश हूँ। इसके अलावा देखो लूटिंग 3 की रखनी है मैंने, बाकी मैं सारी फेंकने वाला हूँ, ये किसी काम की नहीं है। यू नो व्हाट मैं चाहूँ तो गाइस मैं अभी और इसी वक्त नेदर के अंदर जा सकता हूँ और सारा का सारा सामान निकाल कर एंडर ड्रैगन को मैं यूं मार सकता हूँ, इतना खतरनाक मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ। बट यू नो व्हाट मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना चाहूंगा नीचे डायमंड्स के लिए जाने के लिए, बिकॉज अब इतने ओपी हम लोग बन चुके गाइस तो क्यों ना नेदरराइट या फिर डायमंड का आर्मर पहना जाए। ओके अब देखते हैं बकेट्स कितनी मिलती है। नहीं यार इसने मुझे बहुत सारी बकेट्स दे दी फिर से। ओह माय गॉड ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अनोइंग होने वाला है यार। देखो यहाँ पे क्या करूं मैं इतनी सारी बकेट्स का भाई साहब है, मुझे ज्यादा नहीं बस, अरे मैंने सारी फेंक दी यार, मैं भी कितना अजीब आदमी हूँ, मुझे बस 2 चाहिए है ना, 2 रख देते हैं फॉर द सेफ्टी, अदरवाइज तो मुझे 2 की जरूरत भी नहीं थी यार। ओ माय गॉड यस मेरी लूटिंग ये लूटिंग वाली ही है। आ जा बेटे मर तेरी ऐसी की तैसी, मर जा। गाइस हम लोग स्पीड रन में एक बहुत ही बड़ा मोड आ चुका है यहाँ पे, बिकॉज हम लोगों को अभी बैशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। चेक दिस,
मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब नीचे इतनी सारी अंडर पर्ल पड़ी हुई, यहाँ तो देखा ही नहीं, मेरे पास इतने सारे ऑलरेडी आ भी चुकी है। ओके, मैं एक और लेके रखता हूँ एंड दैट्स इट। ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है यार, सच्ची में ब्रोम्स। ओके, अभी मैं एक और काम करने वाला यहाँ पे, मेरे को चाहिए गाइस थोड़ी बहुत लकड़ियाँ एंड आई न्यू दैट। देखो नीचे कितनी सारी लकड़ियाँ ऑलरेडी आ भी चुकी है यार। ओके, मेरे को बस लैग नहीं करवानी यार अपनी गेम, बस ध्यान देना है इस चीज का। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले ऐसा करते देखो गाइस, ओके मेरे पास यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ। इनफैक्ट प्रोटेक्शन कहाँ पे लगा था, मेरे पास प्रोटेक्शन एन्चेंटमेंट लगी हुई है ना। अब इस प्रोटेक्शन वाले एन्चेंटमेंट से पता क्या हो रहा है गाइस, भाई मुझे यहाँ पे फॉल डैमेज भी नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, मैं दिखाता तुम लोगों को। देखो यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ क्राफ्टिंग टेबल्स लगा के बहुत सारी, और देखो यहाँ से मैं छलांग मारेगा, मेरा एक हर्ट गया सिर्फ। इनफैक्ट वो भी यहाँ पे रिकवर भी हो चुका है इतना जल्दी यार। ये थोड़ा ज्यादा ओवर पावर्ड वाला काम हो गया यार, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को यार गाइस। देखते इसमें हमें कौन सी एन्चेंटमेंट मिलती है। अनब्रेकिंग मिली है इस पे, नो अनब्रेकिंग इस पे नहीं चाहिए मेरे को। एक और देखते हैं, अनब्रेकिंग अगेन नो। एफिशिएंसी लेवल देख रहे हो यहाँ पे 70 मिला है मेरे को इसमें, यस मुझे ये चाहिए। एंड या अभी हम लोग क्या करने वाले गाइस, डायरेक्ट जाने वाले हैं नीचू के लिए Y=2। माय गॉड, थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा, Y=15 पे जाना मैंने, आराम से बस मरना नहीं। यस 14 पे आ चुके हैं, दैट्स इट। अब यहां से आगे के लिए जाएंगे। ये देखो यहां पे हमें चाहिए बहुत सारे डायमंड्स, दैट्स व्हाई। डायमंड्स, कमन। कैन वी गेट, अगर मुझे बस एक डायमंड मिल गया ना गाइस, मैं बस धन्य हूँ, मैं भगवान का धन्यवाद करने वाला फिर अगर एक डायमंड मिल गया मेरे को सिर्फ और सिर्फ। व्हाई आई एम सेइंग दैट, अभी तुम लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सेल टच नहीं चाहिए, मेंडिंग नहीं चाहिए। ओके सी, एक और एफिशिएंसी लेवल 557 मिल चुका है मेरे को, लेट्स गो। अब इससे तो और भी ज्यादा मजा आएगा खोदने में, बिकॉज पहले वाला इतना ओवर पावर नहीं था सी। ओके, तो अभी मैं गाइस यहाँ पर Y=14 पे खोद रहा हूँ, लेट्स गो। बस एक डायमंड मिल जाए, बस एक डायमंड मिल जाए, मजा आ जाएगा यार, सीरियसली बता रहा हूँ मैं गाइस, मजा आ जाएगा। अभी और इसी वक्त टूट गई फिर से यार, कम ऑन, लेट्स गो। ओ यहाँ पर मिल गए हैं, यस। अब देखो गाइस मेरे पास यहाँ पर एक पिकैक्स है जिसका नाम है Fortune 395। समझ रहे तुम लोग Fortune 395 का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। ओके, कि हमारे को कितने ओवर है यहाँ पर, 5 ओवर है, देखते ओवरऑल कितने डायमंड मिलते हैं। 1, ओह माय गॉड, 2। इनफैक्ट मुझे इतने की तो जरूरत ही नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही बिग ब्रेन प्लान है गाइस। ओवरऑल देखते हैं हमारे पास कितने आए हैं वैसे तो, है ना, ये हटा दिया है आई गेस, इसकी जरूरत भी नहीं है। ओह माय गॉड, कितने सारे स्टैक्स है, ब्रूम्स नहीं चाहिए मेरे को इतने। मैं इसको नीचे निकालने वाला है, और देखो गाइस मैं यहां पर क्या करता हूं, अगर मैं इसको यहां पर एक डायमंड के इसमें कन्वर्ट कर दूं तो देखो यहां पे एक ब्लॉक से कितने बन जाएंगे। ओ माय गॉड, अभी तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने सारे आ चुके हैं मेरे पास ये। एंड यू नो व्हाट, मैं इनको ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा गाइस, ट्रैवलिंग के लिए। आई वांट डायमंड ब्लॉक्स टू ट्रैवल, ठीक है भाई। मैं अभी क्या करने वाला, बस मैं चुपचाप से निकल रहा हूँ भाई, मैं किधर से आया था भाई, बस रास्ता देखना है और मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस, बिकॉज अभी हो गया ना मेरा यार, अभी मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी और, अभी मेरे को जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है भाई। मैं काई को अपना यहाँ पे मूड ऑफ कर रहा हूँ यार, पानी के साथ यार, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ क्यों नहीं जा रहा ऊपर के लिए यार, हम लोग कितने ज्यादा अमीर है यार, फालतू में पानी लगा के जा रहा ऊपर, बुजो की बहुत ज्यादा अनोइंग है। लेट्स गो, वहाँ पे इतने सारे डायमंड्स है कि भाई सब सोचने की जरूरत भी नहीं है भाई ब्लॉक्स के लिए यार, है ना। ओके, हम लोग यहाँ से टॉप पे पहुंच चुके हैं, लेट्स गो एवरीबॉडी। ओके भाई सब आपकी भी जरूरत है, देखो लूटिंग लगा हुआ है ना इस पे, ये तो उल्टा ही मर गया। अच्छा यहाँ पे थॉर्न्स लगा हुआ है, इसीलिए मर गया ये एक सेकंड में ही। 64 एरोज आई गेस इज मोर देन इनफ, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक और लेके रखता हूँ यार। और यहाँ पर देखो बो भी मिल चुका है फ्री का, तो मैं ये बो भी उठाने वाला हूँ यार, मेरे पास इतने सारे डायमंड के ब्लॉक्स है, मैं डायमंड ही फेंकने वाला हूँ यार कसम से। इसके अंदर हेल्थ नहीं है, तो मैं क्या करने वाला, यहाँ पर एक मकड़ी की आवाज सुनाई दे रही है मेरे को, मकड़ी को मारेगा मैं, आजा मकलू आजा, तेरी ऐसी की तैसी, चल निकाले यहाँ से पकौड़ी। हाँ मुझे ये स्ट्रेंथ चाहिए थी। आई हैव अ ब्रिलियंट प्लान। ओके, क्या मैं ये कर सकता हूँ, लेट्स सी। अबे छोटे, चलो ठीक है, अभी जितने मॉन्स्टर्स आएंगे गाइस वो मुझे मारेंगे, वो अपने आप ही मरने वाले बिकॉज ऑफ माय थॉर्न्स 252। यार देखो पीछे से पता नहीं कौन आया था, मर गया फिर से यार। कोई बात नहीं, यू नो व्हाट, मैं कभी क्या करने वाला गाइस, मैं यहाँ पर अभी अपने लिए ये बनाने वाला है, बू बनाने वाला है मैं अपने लिए। देखते हैं इसमें अनब्रेकिंग लगा हुआ, अनब्रेकिंग तो नहीं चाहिए। ओके, सामने से गाइस एक क्रीपर आ चुका है यहाँ पर फटने के लिए, तू फट जा, तू मेरा सिर्फ एक ही दिल खा सकता है। इन्फिनिटी, ओह माय गॉड, इस पे इन्फिनिटी लगा हुआ है, बट मुझे इन्फिनिटी की जरूरत भी नहीं है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे इन्फिनिटी की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास एरोस की कमी थोड़ी है ब्रो, है ना। मेरे को चाहिए कुछ ऐसा जो मतलब जिसको देख के भाई दिल खुश हो जाए यार कसम से। ओके लेट्स सी, इस पे भी इन्फिनिटी लगा हुआ है, लेट्स सी इस पे इन्फिनिटी लगा हुआ है, लेट्स सी इस पे फ्लेम लगा हुआ है विच इज नाइस, इस पे अनब्रेकिंग लगा हुआ है। पंच 601 का मतलब है अगर मैं इसको मारेगा ब्रो ये एक सेकंड के अंदर डिसअपीयर भी हो गया यार, आर यू सीरियस। ओके अब मैं अगर इसको मारेगा तो ये यहाँ से सीधा ही उड़ के
गायब हो जाएगी अपने आप ही, इसको पता भी नहीं चलेगा ये कहां जैसे पहुंच चुकी है। अब देखो जैसे हमारा ये है क्रीपर, है ना, ये क्रीपर आएगा फटने के लिए, फट फट फट, और तू गायब हो चुका है बेटा, फटने से पहले ही गायब। ओह पंच वाली वो एक्चुअली अच्छी है, बट फायदा गया इसका है ना, इसको मैं रख सकता हूँ अगर मुझे किसी को ट्रोल करना होगा तो। मुझे तो चाहिए थी ये वाली गाइस, पावर 127, ये बहुत ही ओपी है, लाइक सीरियसली बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ये वाली असली एन्चेंटमेंट है, पावर 127 वाली, विच इज नाइस सी, बिकॉज इससे क्या होगा कि मैं इनको वन शॉट कर सकता हूँ, वन शॉट, नाइस। आजा बेटा माल मेरे को, माल मेरे को आजा, शाबाश माल मेरे को, हाँ तू मेरे को मालेगा तू अपने आप ही मल जाएगा, कोई बात ही नहीं है। उफ मेरी इन्वेंटरी इतनी ज्यादा फुल है कि क्या ही करूँ यार। ऐसा करते गाइस अपने लिए एक आर्मर बना देते डिसेंट सा, ओके इस पे क्या लगा है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 152, विच इज आई गेस मैं इसी को रखने वाला हूँ यार, है ना, बिकॉज डायमंड की जो शाइन है ना भाई साहब, उसके सामने आयन की जो शाइन है वो फीकी है गाइस यार, कुछ भी बोलो तुम लोग। डेप्थ स्ट्राइडर लगा हुआ इस पे, और भाई तुम लोग यहाँ पे लेगिंग पे डेप्थ स्ट्राइडर कैसे दे सकते हो, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जूते पे लगना चाहिए। ये वाले एन्चेंटमेंट बहुत ही फालतू थी, इस पे प्रोटेक्शन एन्चेंटमेंट लगी हुई है गाइस 600, ओह माय गॉड, जो कि इससे भी ज्यादा अच्छी है, तो 85 है, इसको फेंकेंगे और मैं इसको पहनने वाला है। जूते पे देखते भाई साहब जूते पे क्या लगेगा, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 423, इस पे थॉर्न्स लगा हुआ है, मैं थॉर्न्स वाला ही रहने देने वाला, थॉर्न्स इज बेटर। अब मैं बस आखिरी बनाने वाला जो कि है मेरा मुकुट, मुकुट पे देखते क्या लगता है, अनब्रेकिंग, नो अनब्रेकिंग इज नॉट गुड, प्रोटेक्शन 702, भाई साहब मुझे कोई मार ही नहीं सकता यार, किसी के अंदर हिम्मत है मुझे मारने की, बताओ जरा यार, आई थिंक मैं अभी यहाँ पे इनविंसिबल बन चुका हूँ गाइस। और गाइस तो अभी चलते हैं फटाफट नेदर के अंदर एंड वहां से फटाफट ब्लेज लेकर आते हैं, बिकॉज मैं तो भाई आज यहाँ पर तुम लोग को मैं अभी बता रहा हूँ गाइस, वन शॉट मारूंगा आज मैं एंडर ड्रैगन को, वन शॉट, उसके पिताजी भी उसको बचा नहीं सकते वन शॉट मरने से। आज बाड़ी भाई ऐसे मोड में फटाफट अगर मेरे को यहाँ पर एक लावा पूल मिल जाए ना भाई, मजे आ जाएंगे यार सीरियसली अभी। और गाइस तो एक आखिरी टेस्ट कर लेते हैं नेदर के अंदर जाने से पहले, यहाँ से नीचे मैं छलांग मारने वाला हूँ, लेट्स सी कि मैं मरता हूँ कि नहीं मरता, बिकॉज नॉर्मली मैं यहाँ से नीचे मरने वाला हूँ गिर के, बट अभी देखते हैं। देखो मेरे पर फैदर फॉलिंग नहीं लगा यहाँ पर, सिर्फ उसे मैं प्रोटेक्शन के दम पर देख रहा हूँ कि क्या मैं मरूंगा या फिर नहीं मरूंगा, सो लेट्स गो। सिर्फ 3 हट गए मेरे ब्रोम्स, नाइस यार, दिस इज जस्ट परफेक्ट। अभी हो रही है गाइस बाहर रात, एंड रात होने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों को लावा पुल बहुत ही आसानी के साथ दिख जाएगा, फट जरा, हाँ शाबाश बेटे, इतनी ज्यादा ओवर पावरनेस के साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा, मार बेटे मार, आजा मार, तुम सारे के सारे लोग अपनी लक आजमा सकते हो, आजा क्रीपर फट के दिखा भाई, 1.5 हट मेरे गए हुए, इससे तुम्हारा एक भी हार्ट नहीं खाया, आर यू सीरियस, इतने बुरे हाल है भाई इसके तो यार, तुम्हारा भाई यहाँ पे इतना ज्यादा ओवर पावर बन चुका है कि किसी के पिताजी के अंदर भी दम नहीं है गाइस अपने को मारने का। ओह लावा पूल दिखा मेरे को, क्या मेरे को फायर प्रोटेक्शन लगा, नो यार मेरे को फायर प्रोटेक्शन नहीं लगा यार, मुझे एक्चुअली गाइस फायर प्रोटेक्शन की जरूरत है यार, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन से क्या करूंगा मैं, इसको फेंक देते हैं और यहाँ पर हम लोग वो निकालने की कोशिश करते हैं गाइस, सी यहाँ पर प्रोटेक्शन है नो, ब्लास्ट प्रोटेक्शन है नो, अब लेट्स सी कि ये कितना देता है, थॉर्न्स, ओह माय गॉड थॉर्न्स इज वेरी नाइस, बट नो, एक और देखते हैं फायर प्रोटेक्शन 534, दिस इज परफेक्ट, अब मैं यहाँ पे मारेगा छलांग, यहाँ देखो गाइस अब तुम्हारा भाई यहाँ पर खड़ा है इसके बीच में, देखो आधा आधा हर्ट जा रहा मेरा, सिर्फ और सिर्फ आधा आधा हर्ट, मैं तैरिया मार सकता हूँ। कितना ओवर पावर बन चुका मैं यार कसम से, कभी कभी तो लगता है भाई अपुनीज भगवान है यार। और पूरा का पूरा पोर्टल हम लोग बनाने वाले हैं इसके साथ, डायमंड के ब्लॉक के साथ, व्हाई बिकॉज वी कैन मेक, अभी तो भाई मैं सच्ची में, मुझे लग रहा है कि मैं सच्ची में यहाँ पर माइनक्राफ्ट का अंबानी बन चुका हूँ अभी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वेस्ट हो गया, लेकिन चलो एटलीस्ट यहाँ पे इतना लावा बचा हुआ है कि भाई मेरा पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। अब बस मेरे को फ्लिंट चाहिए, मैं बेवकूफ यार, मैं फ्लिंट लेकर क्यों नहीं आया अपने साथ यार, क्या इंसान हूं मैं भाई, फ्लिंट मेरे पास होना चाहिए था, मुझे एक और बंदा मिला है, मारने की जरूरत नहीं है इसको, चलो कहीं नहीं मारते है, इसकी जान बख्श दी मैंने, है ना। अपन फ्लिंट भी निकालेगा तो एक ऐसी शवल के साथ जो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होगी, जिससे क्या होगा कि गाइस गारंटी होगी कि यहाँ पर हमको मिलने ही वाली है, जो कि फॉर्च्यून वाली, यस आ रहा भाई, दो बार में दो मिल चुके हैं। यू नो गाइस आज हम लोग इस ओपी क्रेजी क्राफ्टिंग वाले यू नो फीचर का पूरा फायदा उठाने वाले, इसको क्या लगता है मिस्टर फलाना जी को, मुझे वाला चैलेंज देगा तो क्या मेरी गेम क्रैश हो जाएगी, एंड मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है कि मिस्टर असिस्टेंट फलाना जी ने इसीलिए मेरे को वाला चैलेंज दिया था, उसको लगा था कि शायद से गेम ही क्रैश हो जाएगी, बट उसको क्या पता था कि भाई मैं इतना ज्यादा एंजॉय करूंगा, एंड वी हैव रीच्ड बैक, ओ माय गॉड, अब यहां पर ऐसा ना हो जाए कि भाई 1 या 2 लाख बन जाए हमारे पास यार, प्लीज ना बने, ओके एक ही बना विच इज परफेक्ट, एंड एक पता क्यों बना, बिकॉज ये भी गाइस हमारा वो है क्या बोलते हैं उसको, यू नो एक एन्चेंटेबल ऑब्जेक्ट है ये, इसीलिए ज्यादा नहीं बना, लेट्स गो एवरीबॉडी, अभी हम लोग जाने वाले नेदर के अंदर, आपे ज़ॉम्बी विलेजर, क्यों भाई तेरे को ऐसा लग रहा है कि तू मेरे को मार सकता है, किस वजह से लगा, अबे वो खुद मर गया वहां पे,
ये अलग स्कैम हो गया बेचारे के साथ यार। अभी मेरे पास इतनी ओपी फायर एन्चेंटमेंट है ना गाइस लगी हुई कि मैं नेदर के अंदर ऐसे ही भाग सकता है, अरे से परे, परे से अरे, बिना टेंशन के। बस मेरे को यहाँ पर एक ही चीज चाहिए गाइस, जो कि है फोर्ट्रेस। दैट्स इट। हमारे स्पीड रन का जो सबसे मेन, आई स्वेयर वहां पर देखो गाइस, मुझे तो पता भी नहीं था कि वहां पर ये है। मैं बस एक काम करने वाला हूँ अभी, बिकॉज माइनक्राफ्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज में नूब हो सकता हूँ, जो कि मेरे कोऑर्डिनेट्स को याद रखना। तो मैं इसके स्क्रीनशॉट ही लेकर रख देता हूँ यार। ओके, डायरेक्ट छलांग मारो, डायरेक्ट छलांग मारो। देखो भाई आधे आधे हट जा रहे गाइस, कितने मजे पड़ गए गाइस मेरे यार, सीरियसली। लेट्स गो, एक ट्रेल छोड़ के चलते हैं अपनी डायमंड के साथ। ओके, स्पीड ब्रीजिंग करेंगे गाइस डायमंड के साथ, एंड डायरेक्ट यहां से मारेंगे छलांग नीचू के लिए। लेट्स गो, पहुंचने वाले हैं। अभी देखो तुम लोग गाइस मैं पर क्या कमाल करने वाला। हाँ तू आ जा पहले, तू पहले मेरे को मार ले एक बार, तू अपनी किस्मत आजमा ले, आजमा ले, आजमा ले। हाँ शाबाश मेरे बेटे। अबे स्केलेटन मत मार मेरे को, तू खुद मरेगा यार, तब देख वाला। बोला था मैंने मत मार मेरे को, तब तुम लोगों को भी ज्यादा हीरोगिरी झाड़नी होती है फालतू में। लेट्स गो। अभी देखो गाइस यहाँ पे लूटिंग लगी है ना, 992। देखो एक मारूंगा और एक ही मेरे को पूरी के बरस। अभी स्टैक से भी ऊपर दे दिए इसने मेरे को, मैंने तो टच भी नहीं किया था दूसरे वाले को। एक स्टैक ही रहा, आई गेस मैं फ्लिंट को हटा देता हूं, 39 ये रहे इनफैक्ट। ओ माय गॉड, ये लोग भाई मुझे टच कर रहे हैं और खुद ही मर रहे हैं। देखो इसको यहाँ पे, ये भी मर गया। मारो मजे यार, ये वाला स्पीड रन मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान बन चुका है गाइस। इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी एक और चीज आई है, अगर मैं इसको यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करता हूँ। ओह नो 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 नो, ये एक 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 ब्लेज रॉड को ब्लेज पाउडर में कन्वर्ट करना था यार, ये गेम लैग करवाएंगे, इसको जलाना पड़ेगा मेरे को यार। अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा 1 को और इसको रखूंगा 1 को, तो देखता ये कितने आते हैं। ओ माय गॉड, जस्ट चेक दिस आउट, मेरी गेम लैग हो रही है यार, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, वरना मैं सारे लेके जाता कसम से। कोई बात नहीं, लेट्स गो डाउन और यहाँ से चलते हैं अपने पोर्टल के पास वापस। हमारा काम हो गया ब्रू, नेदर का सबसे शॉर्टेस्ट नेदर की ट्रिप थी मेरी आज तक की, जब से लेकर मैं स्पीड रनिंग कर रहा हूँ। लेट्स गो बैक गाइस, या वी आर बैक। अब चलते हैं भाई सीधा ही अपने एंडर ड्रैगन की बैंड को जाने के लिए। ओके, एक बार ट्राई करते हैं जरा, किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। चलो भाई इसी डायरेक्शन चलते हैं। यू नो गाइस, इसकी ना एक और खास बात है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ओर को रखते हैं, किसी भी ओर, जैसे डायमंड के ओर को रख दिया, तो यहाँ पर गाइस हम लोगों को एक रैंडम चीज मिलती है। ये भी इस प्लगइन का एक खास फीचर है, जो कि मैंने अभी तक तुम लोगों को नहीं बताया था। तो इससे देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला पहला, व्हाट इज दिस, पोशन ऑफ जंप बूस्ट। वाह 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 मेरे बेटे वाह। यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ गाइस, लेट्स सी क्या क्या चीजें मिलती है। देखो एमरल्ड्स मिले बहुत सारे, ये देखो एनविल्स मिली है, ये देखो यहाँ पर और पोशन मिला, आई थिंक वो वाले पोशन उसके थे स्ट्रेंथ पोशन थे। 64 बुक्स मिली है, पता नहीं कौन सी होगी भाई, एक बार देख लेते हैं। पंच 10 वाली कितनी ओपी चीज है ये, देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे और 64 मिली है, शार्पनेस 10 वाली। सही है ना भाई, एकदम नेदरराइट, 64 नेदरराइट मिले मेरे को भाई, मैं ये ले रहा हूँ। और मुझे ना कुछ और चाहिए भी नहीं है, मुझे बता अब यहाँ पे इलाइट्रा उलाइट्रा पता नहीं क्या क्या चीजें मिल जाएगी। आई डोंट नीड इलाइट्रा यार, मैंने तुम लोगों को बताया है गाइस, आज एंडर ड्रैगन को वन शॉट रखेगा तुम्हारा भाई यार, इलाइट्रा के दम पे नहीं रखना भाई अपने को, बिना इलाइट्रा के ब्रोमजीज, बिना इलाइट्रा के खत्म कर देंगे एंडर ड्रैगन को यार, उसकी साथ पुछते कहाँ पे की स्मार्टी पाई के नाम से। बट वो सब करने से पहले मेरे को यहाँ पे रात होने का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे एक चीज की जरूरत है अभी, जो कि सिर्फ रात ही है मुझे मिल सकती है। सो ऐसा करते हैं गाइस, इससे पहले हम लोग स्मिथिंग टेबल बना देते। नो क्या सीन है, ये कितनी सारी है देखो जरा यहाँ पे। ओ माय गॉड, पता नहीं भाई मेरी गेम कहीं यहाँ पे लैग ना हो जाए यार, सच्ची में यार बहुत ज्यादा चांसेस है ब्रो मेरी गेम के यहाँ पे बुरे तरीके से लैग होने के। कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे नीचे रखते हैं, एंड कुछ सामान है जो मैं अपना नीचे फेंक देता हूँ पहले, ताकि मैं इनको नीचे निकाल कर यहाँ पर कर सकूं गाइस अपग्रेड। नेदरराइट में खुद को कवर करने का मजा ही कुछ और है गाइस। और मैंने अभी तक अपने लिए यहाँ पर यही रखे आयरन के टूल्स रखे हुए, भाई मैं कितना बड़ा नूब हूँ, मैंने अपने लिए डायमंड के नहीं बनाए यार, बिकॉज मुझे जरूरत ही नहीं है। ये देखो यहाँ पर शार्पनेस 442, नेदरराइट की 50 के 500 शॉट्स के बराबर है ब्रो ये, आई मीन 500 तो नहीं, एटलीस्ट 70-80 शॉट्स के बराबर तो है ही है, तो क्यों करना फालतू में अपग्रेड यार। इसको उठा देते हैं। ओके, और अपना ये वाला सामान भी उठा देते हैं, खाने पीने का सामान है ब्रोमजीस, बहुत ही काम का सामान है ये। नाउ लेट्स गो। ओ नीचे के लिए जा रहा है, यहाँ से नीचे है, परफेक्ट। ओके, यहाँ पर एक टावर बना के रखता हूँ इसका, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ से नीचे आना है। एंड यहाँ पे रात भी हो चुकी है, तो ज़ॉम्बी भैया चल मेरे को टच कर ले यार, तू भी खुश रहे यार, तू भी याद रखेगा, तेरी मन्नत मैंने ही पूरी कर दी मरने की। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर देखो क्रीपर मिल रहे हैं, क्रीपर के चलते देखो स्केलेटन तक दिख चुके यार, नहीं चाहिए भाई स्केलीज यार, जाओ यार, मुझे यहाँ पे जरूरत है किसी और की, किसी और की, तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। वहां देखो, वहां देखो गाइस, यस इसकी जरूरत थी मेरे को यार। 64
एंड 64 या दैट्स इट लेट्स गो। ओ माय गॉड कितना ज्यादा क्यूट है गाइस, बेबी लामा देखो कितना ज्यादा क्यूट है ये छोटू जैसा है ना, इसकी मुंडी देखो कितनी ज्यादा बड़ी है यार। ओ जा यहाँ से मेरे बेबी लामा को तंग करता है तू, तेरी ऐसी की तैसी, बहुत ज्यादा अडोरेबल है यार। एंड वेयर वाज माय थिंग, देयर वाज माय थिंग, लेट्स गो नाउ, इट्स टाइम टू यूज गाइस एफिशिएंसी वाली। ओके या लेट्स गो फास्ट फास्ट, अब सर अब सर, मरी मत मरी मत, हम लोग यहाँ पे मर भी सकते अभी। या डायरेक्ट नीचे, बस अपने को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रूम ढूंढना है और उसके बाद हमारे एंडर ड्रैगन की जो शामत आएगी ना गाइस, क्या ही बोलू यार, मजा आ जाएगा आज तो। ओ मिल गया, या बॉयस मिल चुका है, नाइस। चलो पहले तो इसको तोड़ो, अबे आराम से यार, कितना ज्यादा फास्ट है ये, ज्यादा नहीं गाइस बस 51 आई एफ एंडर एक्स्ट्रा आ चुके हैं यार। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा ओवर पावर्ड होना भी गाइस ऐसा इलीगल जैसा लगता है। देखो 61 एट द राइट के इंगेट्स मैंने इस वक्त नीचे फेंके हैं, कैन यू गाइस बिलीव दिस। हाँ अपनी इन्वेंटरी में एकदम खाली करने वाला, मतलब अंदर जाएंगे तो भाई एकदम ऐसे चौड़ में जाएंगे ना यार, इतना ज्यादा सामान लेकर क्या फायदा। आई डोंट थिंक मुझे फॉर्च्यून की जरूरत है, एंड या बाकी का सामान मैं सोचा रख ही देता हूँ यार अपने पास है ना, जरूरत पड़ सकती है। अपने को अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई नो कि मेरा मरना इम्पॉसिबल है गाइस, मरना इज इम्पॉसिबल। सबसे नीचे ना गिर जाऊं, मैं नीचे भी गिर सकता हूँ। ओ बच गया, और ये कितना छोटू है, व्हाट द हेल इज दिस छोटू, इतना छोटू क्यों है ये, हैं इतना छोटा सा क्यों है भाई टावर वाला। ओके मेरे पीछे पड़ चुका है, तू खुद मरेगा भाई, देख मेरी गलती नहीं है यार। ओके गाइस देखो अभी हमारा जो एंडर ड्रैगन हवा में उड़ रहा है, ये हवा में नहीं उड़ रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है ये। much later, और गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पर, ये एंडर ड्रैगन एक ही जगह पे फिक्स हो चुका है, गेस बिकॉज ऑफ द प्लग इन है ना, बट स्टिल मैंने तुम लोगों को वादा किया था उसको मैं वन शॉट रखने वाला, जो कि मैं रखने वाला हूँ। ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थोड़ा सा दूर चलते हैं, मैं एक स्ट्रेटेजी बना के लाया, पहले मैं कहा था चाहिए कुछ स्टिक्स जो कि बहुत सारे आ चुके हैं, नाइस। अब देखो गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर अभी अपन बनाने वाले गाइस बहुत सारी अपने लिए ये बोज। ओके पहली बो है अनब्रेकिंग वाली, नहीं। दूसरी वो है पावर 215, नहीं। इन्फिनिटी, नहीं। इन्फिनिटी की एक और पावर 215 तब भी अच्छी है, पर जितना मुझे यकीन है गाइस कि हमें इससे भी ज्यादा अच्छी वाली मिल सकती है, इसको वन शॉट करना है ब्रूमजीज, बताया मैंने तुम लोगों को, ये है मेंडिंग, नहीं। ओके पावर 747 आ चुकी है, आई गेस इससे ऊपर वाली मेरे को मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, इसको उठा के देखते हैं ना। और मैंने सामान अपना फेंका था सारा, उठाओ वापस ताकि डिस्पॉन ना जाए। आंटी जी प्लीज टेक माय वन शॉट। ओ माय गॉड ऊपर देखो, अरे अब जाके हिल चुकी है ये अपने आप ही, वाओ यार एक पटाखे के बाद हिले, कोई बात नहीं गाइस अभी लगा तुम लोग यहाँ पे, अब इसकी हेल्थ कंटिन्यूअसली हील होती रहेगी ना, बट मेरा चैलेंज है कि इसको हील होने नहीं देना है और उससे पहले इसको खत्म कर देना है अपने इस ओपी एंचेंटमेंट वाली पावर के साथ, दिस इज माय ट्रू चैलेंज। इसको एक और बढ़ेगा, ए रे मर गई ये, यस मर गई, अभी भी हवा में उड़ रहे ब्रो, ये क्या मजाक है यार, तो गेम ही लैग हो गई थी थोड़ी सी मेरी। चैलेंज बहुत अच्छा था यार, बहुत ज्यादा मजा आया। ओके अभी रात के ऑलमोस्ट एक बजने वाले, इस वीडियो को मैं इतनी रात को शूट कर रहा था, एंड या गाइस बहुत ज्यादा मजा आया इस चैलेंज को कम्प्लीट करके भी। अगर तुम लोगों को मजा आया ना गाइस तो लाइक जरूर करना यार, कंजूसी मत क्या करो गाइस, आजकल तुम लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं एक्चुअली लाइक करने के लिए। सो या इस वीडियो पे लाइक किया मैं गाइस पूरे के पूरे अगेन 150,000 लाइक का, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलता है आप लोगों से ऐसी था नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑसम बाय।